हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई है राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना। दोस्तों, इस परियोजना का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया जा चुका है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं छत्तीसगढ़ में बन रहे राम वनगमन पथ के बारे में। इनमें से बहुत सारे जगहों के बारे में हमारे द्वारा ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है दोस्तों, उसे आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लेवे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में संपूर्ण विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। इस पर्यटन पथ में कोरिया जिले से सुकमा तक कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे और उनसे जुड़ी महत्व की कथाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना में सीतामढ़ी, हरचौका, कोरिया, रामगढ़, सरगुजा, सिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, तुरतुरिया, बलौदा बाजार, चंदखुरी, रायपुर, राजिम, गरियाबंद, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, धमतरी, जगदलपुर, बस्तर और रामाराम सुकमा का पर्यटन की दृष्टि से विकास का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का भगवान राम से काफ़ी करीबी नाता है। माता कौशल्या खुद छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। वहीं भगवान राम ने भी अपने वनवास के दौरान काफ़ी वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा। आज भी छत्तीसगढ़ में पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर कई ऐसे स्थान मिल जाएंगे जिन्हें भगवान राम से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, राम वनगमन पथ की कुल लंबाई लगभग 2260 किलोमीटर है। इन रास्तों के किनारों पर जगह जगह साइन बोर्ड श्री राम के वनवास से जुड़ी कथाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। इन रास्तों पर कई तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये पेड़ वैसा ही महसूस कराएंगे जैसा भगवान राम के वनवास के वक्त को लेकर के यादें लोगों के जहन में है। दोस्तों, भगवान राम के वनवास काल से संबंधित 75 स्थानों को चिन्हित कर उन्हें नए पर्यटन सर्किट के रूप में आपस में जोड़ा जा रहा है। पहले चरण में उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित कोरिया जिले से लेकर दक्षिण के सुकमा जिले तक 9 स्थानों का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य किया जा रहा है। ये सभी स्थान पहले ही प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। वृक्षारोपण के जरिए अब इन्हें और भी हरा भरा किया जा रहा है। सभी चयनित पर्यटन तीर्थों पर सुगंधित फूल वाली सुंदर वाटिकाएँ भी गार्डन तैयार की जाएंगी। राम वनगमन पथ के 528 किलोमीटर मार्ग के दौरान या कहें दोनों किनारों पर 1.5 लाख से अधिक पौधे का रोपण वन विभाग द्वारा किया गया है अभी तक। दोस्तों, इस पूरे परियोजना का या कहें प्रोजेक्ट का शुरुआत रायपुर के पास चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर से हो चुकी है, जहां भगवान राम के माता कौशल्या का एक भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार कर बहुत ही मनमोहक रूप दिया गया है। यहाँ मंदिर के अलावा भगवान राम का 51 फुट ऊंचा शानदार मूर्ति भी स्थापित किया गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं छत्तीसगढ़ के उन स्थानों के बारे में जो भगवान राम के वनवास काल से संबंधित हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों कोरिया जिले में स्थित सीतामढ़ी हरचौका से, जहाँ से भगवान राम ने वनवास काल में छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। नदी के किनारे स्थित यह जगह, जहाँ गुफाओं में 17 कक्ष हैं, इसे सीता माता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। अगला स्थान है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी में 3 कक्षों वाली सीता बेंगरा गुफा है। देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला कहा जाता है इसे। कहा जाता है वनवास काल में भगवान राम यहाँ भी पहुँचे थे। यह सीता का कमरा भी माना जाता है। अगला स्थान है दोस्तों सिवरी नारायण। जांजगीर चांपा जिले के इस स्थान पर रुककर भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। यहाँ जोंक, महानदी और शिवनाथ नदी का संगम है। यह नर और नारायण और सबरी का मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, मंदिर के पास एक ऐसा वटवृक्ष है जिसके दोनों के आकार में पत्ते निकलते हैं। दोस्तों, इस परिपथ परियोजना का अगला चरण है तुरतुरिया। बलौदा बाजार, भाटापारा जिले के इस स्थान को लेकर जनश्रुति है कि यह महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। तुरतुरिया ही लवकुश की जन्मस्थली भी माना जाता है। बलभद्री नाले का पानी चट्टानों के बीच से निकलता है, इसलिए तुरतुर की ध्वनि निकलती है, जिससे इसे तुरतुरिया नाम पड़ा। अगला स्थान है दोस्तों राजिम,
जो कि गरियाबंद जिले में पड़ता है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, जहां सोंढूर पैरी और महानदी का त्रिवेणी संगम है। कहा जाता है कि वनवास काल में राम भगवान और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ इस स्थान पर भी पधारे थे। यहां माता सीता द्वारा निर्मित कुलदेव भगवान कुलेश्वर महादेव का एक भव्य मंदिर भी है। दोस्तों, यहां आज भी माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का भव्य मेला यहां आयोजित किया जाता है। और आपको बता दें दोस्तों, इस जगह पर एक बहुत ही शानदार नवनिर्मित लक्ष्मण झूले का भी निर्माण किया गया है सौंदर्यकरण को लेकर के। दोस्तों, भगवान राम के वनवास काल का अगला पड़ाव है चंदखुरी। रायपुर जिले के 126 तालाब वाले इस गांव में जलसेन तालाब के बीच में भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर है। कौशल्या माता का दुनिया भर में यह एकमात्र मंदिर है। दोस्तों, चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्म स्थली भी कहा जाता है, इसलिए यह भगवान राम का ननिहाल कहलाता है। दोस्तों, अगले चरण में हम पहुंचते हैं सिहावा, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। धमतरी जिले के सिहावा के विभिन्न पहाड़ियों में मुचकुंद आश्रम, अगस्त आश्रम, अंगिरा आश्रम, श्रृंगी ऋषि आश्रम, कंकर ऋषि आश्रम, सर्वंग ऋषि आश्रम एवं गौतम ऋषि का आश्रम स्थित है। राम भगवान ने यहाँ दंडकारण्य के आश्रम में ऋषियों से भेंट कर कुछ समय यहाँ भी व्यतीत किया था। दोस्तों, राम वनगमन पथ का अगला प्रमुख स्थान है जगदलपुर। बस्तर जिले का यह मुख्यालय दोस्तों चारों ओर वन से घिरा हुआ है। यह कहा जाता है कि वनवास काल में राम भगवान जगदलपुर क्षेत्र से गुजरे थे, क्योंकि यहां से चित्रकूट का रास्ता जाता है। जगदलपुर को पांडवों के वंशज काकतीय राजाओं ने अपनी अंतिम राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों, ये था प्रमुख स्थान जहाँ से भगवान श्री राम वनवास काल में गुजरे थे, जिनका विकास कार्य आरंभ हो चुका है। और तो दोस्तों, राम वनगमन पथ के ऊपर हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।